सांध्य पाठ्य को आप समस्त स्वागत करुँ। नवज्योति संपादकीय आम पढ़ु कल आरंभ करुँ। विषय नामकरण है चतुर्थ भूमि द फोर्थ डायमेंशन। यही धारे आउ गोटे धारे नुह यही नाम आउ गोटे आर्टिकल आगे पढ़ी कि ये कंटेन्ट्स भिन्न। काली मुझे कथा कही आपको जदिव चतुर्थ भूमि नामकरण कराई किंतु कंटेन्ट्स भिन्न। काली आम जो पढ़ुलू मु लास्ट लाइन टा पढ़ी पुणी कंटिन्यू करी। दुर्दांत छात्र को जेपरी नीतिपरायण शिक्षक श्रृंखलित बा संजत कराई पारंती नहीं, सेहिपरि निम्न प्रकृति मनुष्यर कौन शासन मानि ना। तो साधारण स्कूल कथा कहूँ अवश्य पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कि उदाहरण न मिले ता नुह कि पूर्णांग शिक्षा केन्द्र असल उद्देश्य लक्ष्य जदि देखा जाए तेल यही उदाहरण हेनी। यहाँ साधारण स्कूल मानक जहाँ हुए कहूँ गोटे दुर्दांत छात्र अच्छे आ शिक्षक बड़ निष्ठापर नीति नियमवान शिक्षक से पारे जमा क्या से तो नीति पड़ोनी नीति पड़ोन कि नियम पड़ोन से जेमती पारती ना ठीक सेमती निम्न प्रकृति मनुष्य कौन से शासन माननी। आम भीतर जो निम्न प्रकृति अच्छी से आमर जावतीय प्रकार शासन जी मनुष्य चेष्टा करने अटकैया कंट्रोल करने परिवर्तन करने संजत करने संजत रही सी तो शुणवनी मानवन बहुत कष्टकर व्यापार। तेणु निम्न प्रकृति को सबुबले कहुए सबुठारु बेसी ए जो निम्न प्राणर प्रकृति सबुठारु बेसी से मनुष्य पाई बा व्यक्ति पाई बा आम पाई सबुठारु बेसी विपज्जनक अच्छी। मनुष्यर उच्च विचार प्रेरणा को गोटे फुटकार उड़ाई दिए जमती धन जो शिक्षक से छात्र को बहुत नीतिवाणी शुणेबे। से दुष्ट छात्र तो बहुत नीतिवाणी शुणेबे आम शास्त्र में कौन अच्छी छात्र मान किपर हवा उचित किपर शिक्षक कथा मानवा उचित आज्ञा जना उचित से फुटकार उड़ेबा मु मानबी सी जमती कर ये सेमती आमर जेते उच्च विचार प्रेरणा मनुष्य जेते उच्च विचार शुद्ध है पवित्र है सत्यवादी है परस्पीकातर है नहीं समस्त परोपकारी है निस्वार्थपर है केते कौन उच्च विचार अच्छे से निम्न प्रकृति आसो रक्त विचार रक्त उच्च विचार उड़े फिंगीदेव सब फुत्कार उड़ेद भयंकर सामर्थ्य तार से मनुष्य से टाण हो न था शक्त हो न था जो ता विचार आगे तिष्ठि पारे। यह संपूर्ण अहं सर्वस्व निम्न प्रकृति अहं सर्वस्व अर्थात अहं माध्यम जे परिचालित तार सर्वस्व है अहं। अहंर तो सामर्थ्य कथा आम न कहले भल अनेक थर आलोचना है सबुठ शक्तिशाली बर्तमान संसार हूँ अहं व्यक्तिर अहं देशर अहं जातिर अहं समस्त अहं बर्तमान भरपूर भाव कार्य कर सबुठ दुर्दांत हूँ अहं। आ निम्न प्रकृति हूँ अहं सर्वस्व अहं मध्यम से परिचालित हुए या निजपाई निज परिवार निज देशपाई कार्य कै जहाँ मुझे कहली देशर अहं देशपाई कार्य कर परिवार कार्य कर निजपाई कार्य कर जहाँ भल भाव अन्नर क्षति हो कि जहाँ निजपाई कर चेषा आम पादिने गोटे घर रही से घर नाल पानी बाहर जाऊ उपाय नहीं आम जिते चेष्टा करूँ कौटी खोलिकी पुरेबू कि पारानी। तो पड़शा घर जन लोक शोधला कसिक आम कहूँ भाई आम घर नाल पानी बाहर को जाऊँ समस्त घर नाल पानी आसो आपण घर कड़े गोटे नाल अच्छी सरकारी नाल आम घर कटे नाल ना किंतु आम बड़ दुखित जे किसी उपाय करना जिते बुझे से बुझिले घर आगे नाल पानी जाऊन कहीं तुम घर पानी नाल पानी रास्ता को आसी बोली सोझासोझी कला सी आमको सी बहुत कांड है किंतु घटना कौन ना तार दरकार ये नाल पानी की तुम तुम घरे रख नाल पानी की घर के रखा जाए मुझे गाधुआ पानी जब बाथरूम पानी जाए हरी टाकी किसी कथा नहीं कि घरे बासन धुआ गाधुआ लुगा धुआ ये पानी सब खूब आड़े जीव बाहर को तो ही जीव कि बाहर गोटे नाल था नालटा पोती बहुत दिन है कौन केमती घर काम होती कौन है से नाल पूरा पोती सेपट नालटा ठीक अच्छे रास्तार आरपट एपट नालटा पोती सबुदिन सकाल मुझे देखे केते पानी जाए मत भाई दुख लगे जहाँ अन्न लोक मान असुविधा हो कि पड़शा लोक बुझे कारण तार दरकार तुम पानी तुम रख बहुत व्यक्ति समस्त निज स्वार्थपाई चाहती निज अहम को चाहती यहीपरी मानविक जीवनधारा को बर्बरता बोली श्रीबिंदु उल्लेख करते जो मनुष्य मैंने निजर व्यक्तिगत स्वार्थ छड़ा निजर अहम छड़ा आउ किछु को दृष्टि दियंती नहीं यहीपरी मानविक जीवनधारा को बर्बरता बोली श्रीबिंदु उल्लेख करते बार्बरिज्म इंग्रजी कहूँ बार्बरिज्म बर्बर गुड़ाक नुह तुम सब एमती कहूनी आम माने पशु संगे सामान बर्बर अर्थ से ये मनीष ये विचार को श्रीबिंदु कहते बार्बरिज्म बर्बर निज छड़ा जी अन्य कहा कथा भावे नहीं निज छड़ा जी अन्य कहार की चिंता करनी कहार भल पाई भावे ना कि चिंता करे ना ये हूँ बर्बरता जो मैंने यहीपरी जीवनधारा जापन करती से मैंने बर्बर से जो बर्बरता कहते यही प्रकार जीवनधारा जो मैंने बंचती जो मान यही जीवन अर्थात मु मोर आ छड़ा आ कि जानी एपरिक निज देश भी हो ना कहीं मो देश छड़ा आ कौ देश भल नुह मो देश छड़ा आ सब निज एभली को श्रीबिंद बड़ निंदा कर एपरिक शिक्षा दीक्षा विज्ञान और शिल्पतंत्र प्रयोग करी एमाने से बर्बर अवस्था युक्त से शिक्षा उणा नुह शिक्षार उणा नहीं शिक्षा बहुत प्रबल दीक्षा शिक्षा ज्ञान विज्ञान शिल्प सबुरे से बहुत उच्च हेले भी तथापि एमाने से बर्बर अवस्था युक्त कहीं बर्बर तो सीधा गोटे कारण अहंकार निज अहं छड़ा जी आउ किसी की स्वीकार करे आउ किसी ग्रहण करे सब बर्बर आजिकल युग में एपरी व्यक्ति को श्रीबिंद विज्ञान सम्मत बर्बर साइंटिफिक बर्बर बोली आख्या देते बर्बर जे साइंटिफिक बार्बरिज्म विज्ञान सम्मत बर्बर अर्थात वैज्ञानिक धारणा सब स्पष्ट सब ठीक किंतु अंग छड़ा आ कि बुझती ना निजर स्वार्थ छड़ा निज अहंग छड़ा आ कि जानते नहीं बुझती क्या कथा बुझ उदाहरण दिजाई बर्तमान चाइना को चाइनार घटना कौन से आनंद रे हेंडी मारिकी ता घरे से बस गोटे छोटिया मारणास्त्र छाड़ दे जो मारणास्त्र की तार विशेष नहीं तार गोटे सहर गोटे अंचल किसी क्षति कला सीना समग्र देश संपूर्ण दूर रे किंतु अत्यंत स्वार्थजनित भाव में ताकू समग्र पृथ्वी को छाड़ जगत को छाड़ निज स्वार्थ निज अहम छड़ा सी किसी चाहे तापरे जमी कहते साधुर गोटे छलना करवा दरकार पड़े आम सा करूँ आम पठेबू भारतवर्ष साज्य करूँ भारतवर्ष को तुम कौन सा भारतवर्ष को चाइना साज्य कर चाइना साज्य कौन कर चाइना निजे आगे भविष्य कदा चिंता कर भविष्य नहीं तार भविष्य नहीं कारण माँ कहते कारी चैत्य पुरुष नहीं जानते कि नहीं माँ कह सब चंद्रु आन रु चाइनीज मैंने ओरिजिनली मून रु आनु जेहेतु मून रु आनु मन सर्वस्व माइंड मुख्य किंतु आउ ता उपरकू नहीं साइकिक नहीं तेणु ऊर्ध्व को नहीं ऊर्ध्व को जावा प्रश्न उठूँ से मन रही सन्तुष्ट हो सी किंतु कौच आमको सा भगवान को राज्य को सी कौ सा शास्त्र पुराण में विशेषतः यही गुण संपन्न व्यक्ति को आसुरिक प्रकृति विशिष्ट जीव बोली उल्लेख कर कौन कि आसुरिक प्रकृति विशिष्ट बोली कह छड़ा किए से ही तो आसुरिक प्रकृति विशिष्ट गीता दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति संबंध स्पष्ट आलोचना करी गीतार आलोचना जी दैवी प्रकृति क्या कहते आसुरी प्रकृति क्या कहते दिव्य प्रकृति आसुर प्रकृति दुर्योधन तुल्य राजा और ऐश्वर्यशाली व्यक्तिगण बा रावण पर महापंडित व्यक्ति मत ये आसुरिक प्रकृतिर पर्यायभुक्त ज्ञान गारिमार किसी कुणा नहीं रावण महापंडित दुर्योधन भी मानी अभिमान और प्रबल एम समस्ते किंतु तथापि से असुर पर्याय आसुरिक प्रकृतिर पर्यायभुक्त आम जुगरे मध्य हिटलर यहीपरि राक्षस प्रकृतिर व्यक्ति थिले आम समय हिटलर भी जन भद्रलोक थिले जर्मान शासक सी भी यही असुर प्रकृति थी आसुरिक प्रकृति द्वारा परिचालित होते एम शक्ति अपर्याप्त रावण दुर्योधन एवं आमर हिटलर एम सब एम शक्ति अपर्याप्त एम मनुष्य को कीट पतंग तुल्य पादरे दली पारती माने तांकर सामर्थ्य केते कीट पतंग तुल्य पादरे दली पार अर्थात केते उपेक्षा माने कौन ता कहते गोटे मनुष्य को खाली अवहेला नुह हिन्मान करवा मनुष्य कदर्थ भाव व्यवहार करवा दरकार पड़े शह शह हजार हजार संख्यार मारदेवा करना हिटलर हजार हजार संख्यार मारी आने कौन कले दुर्योधन नीति रावण एम सब कौन कले कीट पतंग तुल्य पादरे दली पारती पादरे दली मैंने पाद एड बड़ नुह मो पादरे दली पारती मैंने मारी दिखते ध्वंस कर मानविकता और देवत्वर एकांत अभाव थाए इवन मध्य मानविकता नहीं देवत्व तो प्रश्न नहीं मानविकता और देवत्व देवत्व देवत्वर एकांत अभाव थाए किंतु एक कथा मन रखा हम जे प्रत्येक मनुष्य मध्य यही अशुद्ध आसुरिक अदेव निम्न प्रकृति रही खूब कम व्यक्ति यार चालना को उपेक्षा करपारती आसला असल कथा आम भितर भी अच्छा जहाँ आम कौ दुर्योधन रावण इत्यादि उदाहरण देलु से प्रकृति आम भितर भी अच्छी आम भितर सी आमको गाइड कर परिचालना कर बाट मान पुश कर आम बहुत कम लोग अच्छा जहाँ प्रभाव मुक्त अच्छा जेहतु प्रभाव मुक्त ना तेणु ताध्यम इच्छा अनुसार जहाँ से चाहूँ से कर प्रभाव समस्त प्रभावित हो जाती अधिकांश मनुष्य खूब कम अच्छा कहला खूब कम व्यक्ति अच्छा जो मैंने प्रभाव मुक्त दिव्य प्रकृति है दैवी प्रकृति भागवत प्रकृति दिव्य प्रकृति अर्थात भगवान भागवत प्रकृति यह सत्य ज्ञान ज्योति अमृत एवं भक्ति समर्पण श्रद्धा और देवत्व द्वारा परिचालित यही प्रकृति विनम्रता उदारता त्याग और संतोष आदि गुण में परिपूर्ण मापिवा आम जो मैंने शुणुचु भिन्न भिन्न जगार बसिकी कि जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्ते टे मापतु के मापिवा ना विनम्रता उदारता त्याग संतोष यही बाटे माने कार्य करते यही सब तरह क्वालिटी यही सब गुण रे परिपूर्ण विनम्रता के जन भीतर अच्छी से गुण रे से परिपूर्ण बोली लिखते प्रपत्ति भाषा जो मैंने दिव्य प्रकृति थाती विनम्रता थाए उदारता थाए त्याग थाए एवं संतोष संतोष जहाँ अच्छी तेनाली संतोष यही सब गुण से मैंने परिपूर्ण ऐक्य और मैत्री साम्य और भातृत्व आदि प्रकृतिर विशिष्ट विभव तो स्वतंत्र गुण तार कौन ना ऐक्य और मैत्री एकता भातृभाव मैत्री साम्य समता भाव तो भातृत्व आज प्रकृतिर विशिष्ट विभव राज ये सब तार स्वतंत्र गुण सब विशिष्ट विभव आश्रिक प्रकृति अहंगमूलक दैवी प्रकृति चैत्यमूलक बा ऐश्वरिक डिफाइन करपटे गार पकई जाए सजीव निर्जीव जमी कहुए सेमती एपटे असुर प्रकृति दिव्य प्रकृति दैवी प्रकृति कौन कौन ना असुर प्रकृति है अहंगमूलक दैव प्रकृति है चैत्यमूलक बा ऐश्वरिक से अहम द्वारा परिचालित ये चैत्य पुरुष द्वारा परिचालित चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित ये हूँ फरक गोटे जदि स्वार्थ उपर पर्यवेसित अन्य त्याग और निस्वार्थता पर्यवेसित गार एपट लेख अहम ताद्वारा स्वार्थ द्वारा परिचालित ये निस्वार्थता द्वारा दैव प्रकृति असुर प्रकृति स्वार्थ द्वारा परिचालित दिव्य प्रकृति है निस्वार्थता एवं त्याग आ द्वारा से परिचालित निस्वार्थ निज स्वार्थ किसी नकला निस्वार्थ समस्त जान इच्छा करूँ समस्त भलपाई चाहूँ निजपाई कहीं चिंता कर निजपाई जे चिंता करूँ से अन्य कम चिंता कर केवल निजपाई चिंता करूँ स्वार्थपाई से अन्य कम चिंता कर बेल कहीं सब तो निज कथा भाव केम निज भाव सब आज अन्य मान कथा सब भाव समस्त भाव निज कथा भाव दरकार ही नहीं निज कथा भाव दरकार नहीं क्या मु किए मु तो अन्य मान साथ सामान तेनाली समस्त हेल्ला बड़ हम गोटा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मन अच्छे ये एनओसी फेनओसी दिया सब समस्या आसला एनओसी मिललानी 2012 मसीहा पर जो आरती आसला बहुत प्रकार गंडगोल के किए बहुत स्कूल बंद हो सब धमका धमकी चलना सब तो व्यक्तिगत अनुभव गोटे कहवा कथा मुझे जानी किंतु आरंभ तो कठिन कहीदे पंडिचेरी जाइली समाज में प्रार्थना करी समाज प्रार्थना कला बेले कहली माँ ये पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गुड़िक बहुत असजड़ा होगी अच्छा कागज पत्र जहाँ सरकार खोजती क्या पाखे प्राय किसी सब ना आदि बा अच्छी सब निट अवस्था कार निज जगह नहीं जमी ना किसी नहीं तेनाली वर्षे खंडे समय देले चेष्टा कर गोटे वर्ष जो समय दे दि जाए चेष्टा कर सब करदेव से वर्ष कौन है ना सरकार गोटाए वर्ष एक्सटेनसन करदे समस्त सरला तुम भाव पूर्णावासी आगे नियो जा पूर्णावासी आगे मागवा जा समस्त सरकार करदे बोली रे मुझे मूर्ख एमती अन्न स्कूल मान भी असुविधा थपे समस्त मागिले तो होता कि पूर्णावासी आगे मागला बेलू समस्त सरकारी पाइले समस्त गोटाए वर्ष एक्सटेनसन होगा लेखागला जे ए वर्ष कहारी कौन कागज पत्र आउ खोजा जीवन आसंता वर्ष यही दिन भितर समस्त प्रस्तुत हो तेणु समस्त मागवा हूँ निस्वार्थपा ये उभय प्रकृतिर द्वंद्व अथवा युद्ध मनुष्य व्यक्तित्व मध्य सर्वदा लगी रही स्वार्थ और निस्वार्थ स्वार्थपरता निस्वार्थपरता आश्रय प्रकृति दैवी प्रकृति अधिकांश व्यक्ति निम्न प्रकृति सर्वस्व एवं देह प्राणर ताड़नारे बसीभूत अधिकांश व्यक्ति निम्न प्रकृति सर्वस्व ए निम्न प्राणर प्रकृति सर्वस्व से माने एवं देह प्राणर ताड़नारे बसीभूत देह प्राण ताड़ना माने डिमांड शरीर और प्राणर जहाँ डिमांड से डिमांड दबिक था सब तारी द्वारा बसीभूत होगी था बसीभूत माने से जहाँ कह मानवा साप बसीभूत हो जाए कौन पद्मतल अर्थात पद्मतला गाइले से निश्चय फणा टेक पद्मतला बंद करदे शुभ पुणी फणा पुणी पद्मतला बाजिले पुणी टेक अर्थात पद्मतला से बसीभूत कर रखाई से निज इच्छा पद्मतला बाजुवा पर्यटन से फणा तलू कर ना सेमती आम भितर कौन हुए मनीष भर निम्न देह प्राण ताड़न पका मनीष सेमती बसीभूत होगी थाए सब द्वारा देह और प्राणर डिमांड दाबी फल से मनुष्य अहंगत स्वार्थपर और द्वंद्वमय जीवन यापन करे बाबाजी बढ़िया लिखिना बाबाजी कहे सबू विरोधी शक्ति ऊपर तुम विजय लाभ कर कि अहंग और स्वार्थ बहुत चालाक पारी हवारी मुस्किल सेमती छपिक रही तुम तक चिन्ह पार न जापर कि तुम भितर से भरपूर क्रियाशील थी अहंग और स्वार्थ भरपूर क्रियाशील आम भितर थी संपूर्ण कितु तुम तक चिन्ह पार न जापर न कौन मोर भूल जे से मत कहला मुझे कहली कौन भूल लगे कौन है भूल तू कि जानू से कहला तू नीरव रहा कहीं मना कला कि तेज किए ते नीरव हो शुणापे किए मना कला कि तू कहू कहीं उल्टा तो भी किए कह प्रेरणा देला सी तो ते गाड़ी देला तू ताक ओल्टी गाड़ी कहीं देलु ना सी गाड़ी देला मुझे चुप ना हाँ से तो कहुचे से कहुचे तो से गाड़ी देला तू जो ओल्टा जवाब देलु बा उत्तर देलु सेटा ही तोर अहम तो नीरव होते अनुभव कर अहम कौटा नुह अने जन प्रति कौन प्रकार दुर्व्यवहार कले जो हसिकी सही जा पारू ताले बुझीपारू अहम किए अहंकार किए नुह निरहंकार किए नचे अहंग तो सब बेले अहंग सब बेले ते नचेब सब से मनुष्य अहंगत स्वार्थपर और द्वंद्वमय जीवन यापन करे द्वंद्वमय माने द्वंद्व सब भल मंद भितर द्वंद्व चली ही थाए या भितर कौन उपाय पलायन करने संभवपर हुए नहीं पलायन कर कुआड़े जीव पलायन कर जीव कुआड़े से पूरा पलैया चेष्टा कले पुणी गोटे अहंकार धर तुम यदि चेष्टा कर पलैब मैंने कौन तुम मैंने से दिव्यता को चलिया चेष्टा कर तांको पाखरु मुक्ति पाई तुम दिव्यता चेष्टा कर जावाई से कह रह आउ सब थी गाँव पुराणा लोक कारण लोक सब पुराणा सब कह एत शीघ्र कौन ये बाबाजी भाया हो समय अच्छी रह भीतर बुझेद हाँ साधना करने समय जाऊनी साधना हम ए तो जीवन यापन करा सुख जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत सुखरे बंचा सब ऋण कर पचे झील खाऊ आ गए कौन ना ऋण कर पचे कि हाथी सुझिले सुझिव पुअर नाती किए सुझिव ऋण कर पचे कि हाथी हाथी गोटे किद ऋण करके तुम सुझी पारनि तुम पुओ सुझी पारनि ता पुओ सुझी पारनि ता पुओ सुझिव सुझिले सुझिव पुअर नाती सुंदर सुंदर ढगर खाई से मनुष्य जीवन अति दयनीय और दुर्भह हो पड़े से मनुष्य जीवन अति दयनीय और दुर्भह हो अवस्था या मनुष्य प्रपोज यही सैडटा को वर्णना करती एत खिनमिन कि वर्णना करती समझे निज भर कुरुड़े ओ सतरे यहाँ मोरी कथा कह प्रपोज कहीं चिन्हले कि जानी मत मोर सब कथा किसी जाणी पकड़े कि मोर जहाँ जहाँ मो भर सबूत कौन लिखी पकड़ जेते जी जो शुणुन समझे भाव अरे मो ना कौन जानते ना कौन मो विषय केम देखते मो ना न कही सब लिखते एत खिनभिन कर स्टडी कर लिखते मनुष्य प्रकृति से लिखिं माने माँ श्रीविंद को अध्ययन कर माँ श्रीविंद अध्ययन कर विशेषकर श्रीविंद शास्त्र को से अध्ययन कर मनुष्य जहाँ अवस्था बर्तमान जो अवस्था विषय में श्रीविंद बहु भाव वर्णना करी से लिखुं मनरे प्रश्न उठे तेज कौन मनुष्य जीवनधारा यहपर दुख द्वंद्व शोक मध्य चलो तापर प्रश्न आसो हाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे आम आम बंचा अवस्था या धारा या सब दिन एम चलो एमती दुख सुख सुख कह दुख शोक निरानंद अंधकार ये सब सब चल सबुदिन चलो ना कि परिवर्तन संभव हम यार समाधान कौन उपाय नहीं कौन से उपाय नहीं यार समाधान होगापी मनुष्य निजक केवेले निम्न प्रकृति कौन मुकुले पार ना प्रश्न हम सचेतन व्यक्ति जी प्रश्न कर आमको सबुदिन एमती थू यही अवस्था थू निम्न प्रकृति परिचय चलू सबुदिन मनुष्य पशु तर बंधन कौन ऊर्ध्व को उठी पार ना पशु तर बंधन भितर ऊर्ध्व उठी पार मनुष्य चाहिए चिरंतन सुख शांति मात्र रही दुख अशांति मध्य कि पाराडक्स गोटे मानने केमती कंट्रोवर्सीआल जिन गोटे जिन चाहूँ गोटे जिन पाँच गोटे जिन चाहूँ गोटे जिन पाँच आप धरतु दुकान में सुजी मागे से कौन आपको चीनी दब ना गहम दब सुजी मागिले सुजी दब ये कि चीनी मागिले कौन दिया खटा आंबुल आंबिल दिया आंबिल जहाँ चाहूँ ठीक उल्टाटा पाँच मनुष्य जो चाहूँ सुख शांति आनंद दुख निरानंद शोक यही सब मिलू दुख अशांति मध्य से रही से चाहे ज्ञान आलोक मात्र रही अज्ञान अंधकार मध्य बड़ विकल अवस्था मनुष्य गोटाए कथा चाहूँगी पाऊँ आउ गोटे कथा पुणी आउ गोटे कथा जोटा से ठीक तार विपरीत से चाहे अमरत्व मात्र रही मृत्यु जरा और रोग अधीन से चाहे अमरत्व मात्र रही मृत्यु जरा और रोगर अधीन अमरत्व कौड़ आस जरा रोग मृत्यु जहाँ उपर रही अमरत्व कौड़ पाइब चाहूँगी अमरत्व सब जन्म चाहूँगी अमरत्व यहीपरि विपरीत वस्तु और विरोधाभास मध्य बास करी तार जीवन हताश और नैराश्य डूबी जाए मनुष्य अवस्था को वर्णना करपरी भाव रही से पूरा हताश विषादग्रस्त हो पूरा नकारात्मक जीवन से यापन करने आरंभ कर आज खरा बेले कौन गोटे मीटिंग में मुझे कहूँ चेष्टा करी सकारात्मक हवानी संसारटा बर्तमान गोटे विषादग्रस्त समाज अच्छी संसार परिस्थिति से भाया है सबू लोक मैंने तो ताही कहे कारण सबू लोक मैंने परिवेश परिस्थिति द्वारा परिचालित हूँ आम जो माँ श्रीवंद पक आम भिन्न हवानी आम तर कि भिन्न हवानी यही परिस्थिति परिवेश को दुहाई दे कारण दे दोष दे बचा कौन कर परिस्थिति से अरे परिस्थिति हो सैया परिस्थिति से कौन हो आम जानू कौन तापर हो बोली माँ निजे कहते वाई आर ओरिड हैव यू सीन द एंड तू नाटक शेष सीन जाचु कौन हम सी सीताचोरी कहीं व्यस्त ही पड़ू सीताचोरीटा मझा मझी नाटक मझा मझीटा हूँ सीताचोरी अंतर पर रावण मर लास्ट सीन जाए जाइन एपटू कहीं छानिया हो तेणु ये हताश विषाद बचा कौन बाध्य केतक कहे जीवन तो यहीपरी एवं पृथ्वी जन्म ना यहीपरी बचले दुख कष्ट भोग करा पड़ो यार कौन समाधान नहीं जो साधु सन्त बर्तमान जो एग्जिस्टिंग जो मैंने साधु सन्त ज्ञानी पंडित अध्यापक प्रोफेसर वाइस चांसलर सब जो पंडित मान पाक जाओ से कहे जीवन तो यह हम तुम कहीं बचा पड़ो तुम गोटे आकाश गढ़ ये मनुष्य मनटी ये मनुष्य मैंने जे सब एमती बचे समस्ते एमती कहीं ना बाहर कौटे आकाश आसी खसी पड़े जे भिन्न प्रकार हम यार कौन समाधान नहीं समाधान चाहिए अर्थ व्यर्थतार अनुसंधान करवा समाधान जो तुम खोजुच से समाधान किसी नुह सब व्यर्थ हम सब भूल एपरी व्यापार समाधान हो पारिबो नाही एपरी व्यापार समाधान हो पारिबो नाही एटा विश्वास चलती बर्तमान पर्यटन कुकुर लांगुड़ नलरे 12 वर्ष रहिला परे जेपरी बंका थाए सेहीपरी रहे जेते चेष्टा कले मध्य सेहीपरी मनुष्य प्रकृति में कौन सी परिवर्तन हो पारे नाही से जन हम कथा होत ना प्रकृति नैव मुच्यते तापर यद्यपि मुच्यते किंचित किंचित मुच्यते प्रकृति केवे भी परिवर्तन हेनी जदि हम टिके टिके हम परिवर्तन हो मनुष्य प्रकृति मल्ले तुटे मुझे कथा आउ दिन कहती अच्छा मलापर तुटिला केमी घुसुरी प्रकृति तो पंके लोटे बुझीगला पंकरे घुसुरी बुड़े ता प्रकृति आम जानती कि मनुष्य प्रकृति मल्ले तुटे आगे मरब ना आगे तुटब आज मरीगला से तो ना आ तार तुटिला कौड़ अर्थात मनुष्य प्रकृति तुटब ना मनुष्य प्रकृति तुटब ना से प्रकृति धरी से बसो सब कुकुर नांगुड़ 12 वर्ष बापू जानी किए मापिचे एक वर्ष बापू से बहुत जगह उदाहरण कहीं दे गोटे कुकुर नांगुड़ 12 वर्ष काल गोटे बाउंस नड़ी पुड़ी रखाई स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते किंतु बुझे पड़ो किए 12 वर्ष रखिला रेफरेन्स नेला हम 12 वर्ष काल कुकुर नांगड़ को गोटे बाउंस नड़ी पड़ी कुकुर जाइए कटे तो बांधिक रखिदे 12 वर्ष तार नांगड़ सागर बाउंस नड़ी बांधिक रखिदे फिक्स करदे जो आजिकल क्विक फिक्स फेविक्विक सब दिया होची देकी ताको रखिदे 12 वर्ष पर छिटे काढ़ला पुणी जो बंका से बंका आर उदाहरण हूँ कुकुर नांगू हूँ आम प्रकृति सदृश जेते 12 वर्ष गोटे कैजुआल गोटे फिगर खेल पाई 22 वर्ष कहते भी चल था कारण कुकुरटा का बचीबनी 22 वर्ष जाए 12 वर्ष का जेते जहाँ कह पचे से बदलो ना जो बंका को से अवश्य जो मैंने एपरी चिंता करती से किसी कहवा अनावश्यक ये आसला जो मैंने सब बेले भावी बसते नुह 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 हम नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं केवे भी हम नहीं केवे भी हम नहीं कहते से किसी कहवा दरकार नहीं किसी कहवा दरकार नहीं से ना रुँ किंतु एपरी युक्ति अकाट्य नुहे मनुष्य प्रकृति परिवर्तन हम नहीं ये जो युक्ति अकाट्य नुहे ना चरम सत्य नुहे शेष सिद्धांत नुहे अरे बर्तमान जहाँ हो सबुदिन से हम बोल लेखा बर्तमान तुम यह उदाहरण दे पार कि भविष्य तुम किसी कहीपर मनुष्य प्रकृति केवे भी मल्ले तुटे नुह आगे तुटब मरले मरीपे न मरीपे कि तुट निश्चय मनुष्य प्रकृति बदल पृथ्वी सबू विषय जदि क्रम विकास घटी मनुष्य प्रकृतिर क्रम विकास न घटो कहीं एत कथा कही कही लास्ट को प्रकृति कहते सब गुड़ाक तो क्रम विकास घटला बेंग आ बेंग ही ना बेंग तार रूपांतर घटी घटी बाबुली भाई सारे परिवर्तन ही आस मनीष हो गले सबुड़ा तो रूपांतर सबू तो बदल सब प्रकृति चेंज सब आ मनुष्य प्रकृति कहीं चेंज हो मनुष्य प्रकृति चेंज कहीं हेनी मनुष्य सुय द्वैत प्रकृति को अतिक्रम कर एक प्रकृति न हो कहीं अर्थात मनुष्य जो दुईटा प्रकृति अच्छी आश्रिक प्रकृति और दैव प्रकृति सी एकाठी हम एक ही एक गोटे प्रकृति हम सुय दुय द्वैत प्रकृति को अतिक्रम कर एक प्रकृति न हो कहीं यह कौन असंभव यह कौन असंभव काली की आलोचना करिया एटा असंभव नुहे बोली भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम मान अंतरे किछेले जपरि तुम कार्य विघ्न न घटाए किछेले जपरि तुम आविर्भाव विलम्ब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें ढड़ा हो आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्मरे उच्चतम चूड़ार तुच्छतम प्रत्येक कोषरे पुण्य हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जपरि सर्वांगीन चिरंतन आम मान अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केपरि न भूलु तुम निकटने गभीर भाव निविड़ भाव कृतज्ञ हो रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न कर आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहतर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकता हे भगवान जय हो तुम तुम विजय दिव आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्व इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर by the power of the mother with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever।